हेलो एवरीवन, आज मैं ये ब्यूटीफुल ब्लू कलर की रॉयल ब्लू साड़ी है जिसका मैं एक ब्यूटीफुल सूट स्टिच करने जा रही हूँ। तो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। फुल लॉन्ग कुर्ती स्टिच कर रही हूँ। तो देखिए, अब ये जो फैब्रिक है इसमें जो आपका फॉल लगा रहता है, यदि आप इस फॉल को हटा देंगे तो ये आपके पास एक नॉर्मल फैब्रिक हो जाएगा। जो ये ब्लू पार्ट है इसको अलग कर लूँगी और जो नेट का पार्ट है साड़ी में से वो वाला, वो मैं सेपरेट कर लेती हूँ दोनों को। तो पहले सेपरेट कर लेती हूँ। तो मैंने सेपरेट कर लिया है, देखिए मैंने दूसरी साड़ी पे सेट करके दिखाया है। तो एक वो प्रिंटेड वाला फैब्रिक है जिसमें नीचे बॉर्डर लगा हुआ है और एक ये नेट का पल्लू है। तो नेट का पल्लू बिल्कुल सेपरेट मैं चुन्नी में यूज़ करने वाली हूँ और बचे हुए फैब्रिक से मैं पूरी एक लॉन्ग कुर्ती स्टिच कर रही हूँ। तो अब ये साड़ी को मैंने वन फोल्ड किया है और इसमें से सबसे पहले मैं टॉप की लेंथ ले लूँगी। टॉप की लेंथ जितनी आपको रखनी है वो रखिए, मैं अपनी 16 इंच की टॉप की लेंथ रखती हूँ। तो यहाँ से लेके मैं 16 इंच का लेंथ लूँगी। देख लीजिए, ये यहाँ से मैंने फोल्ड किया और फिर इधर से मैंने 16 इंच का लेंथ ले रही हूँ, क्योंकि 16 इंच का लेंथ आप टॉप में यूज़ करेंगे, बाकी आप स्लीव्स में यूज़ करेंगे। तो देख लीजिए, यहाँ से लेके 17 के करीब मैंने लेंथ ली टॉप की, बाकी बचा फैब्रिक स्लीव्स में यूज हो जाएगा। तो मैं इसको कट कर लेती हूँ और मैंने कट करने के बाद ये जो बचा हुआ फैब्रिक था उसको फोल्ड किया, उसमें करीब ऊपर से 5 इंच, काफ़ी लंबा था साड़ी की लेंथ है तो 5 इंच की मैंने पट्टी कट कर ली है। अब मैं बचे हुए फैब्रिक में अस्तर स्टिच करूँगी क्योंकि मुझे पूरी चुन्नट करनी है कवर। देख लीजिए, फ्रंट का है इसमें मैं अस्तर स्टिच कर रही हूँ, एक में स्टिच कर चुकी हूँ। तो देखिए, मैंने पूरी चुन्नट स्टिच कर ली है अस्तर के साथ, मतलब जो चुन्नट वाला फैब्रिक था नीचे का बॉटम, उसको मैंने पूरा चुन्नट के साथ स्टिच कर लिया है और साइड में भी स्टिच किया है। साइड में स्टिच अच्छे से किया, फिनिशिंग के साथ स्टिच करने के बाद पलट के जैसे स्टिच करते हैं। तो आपको दिखा देती हूँ एक बार, ये देख लीजिए मैंने किस तरह स्टिच किया। और अब ये जो किनारे किनारे थ्रेड्स निकलेंगे वो फोल्ड कर देंगे तो इससे फिनिशिंग अच्छी आ जाएगी। तो मैंने 2 पार्ट्स स्टिच किए हैं, फ्रंट और बैक के। देख लीजिए, ये एक बाहर से स्टिच किया है, एक अंदर से, एक मैंने करके दिखा दिया है और अब दूसरा भी मैं कर लेती हूँ। तो प्रॉपर हमारी दोनों फ्रंट और बैक की चुन्नट वाला पार्ट स्कर्ट रेडी हो चुका है। अब मैं इन दोनों को जॉइंट भी कर लेती हूँ। तो देखिए, जॉइंट कैसे करना है, मेरा मैंने वीडियो शायद लॉन्ग में बनाया होगा इसलिए आपको क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन देखिए दोनों के जो आगे और पीछे के हैं हमें एक तरीके से घेर बनाना है नीचे स्कर्ट का। तो सबसे पहले घेर रेडी हो चुका है, अब स्लीव्स और टॉप, ऊपर टॉप का मार्जिन दूंगी। तो इन दोनों के नाप का अस्तर कट कर लेते हैं। तो मैंने अस्तर कट कर लिया है। अब अस्तर में सबसे पहले ऊपर टॉप का स्टिच करते हैं। तो आपके शोल्डर यदि 14 है तो 14 के हिसाब से आप 7 का मार्जिन देंगे। तो 7 पे मैं मार्जिन दूंगी क्योंकि मुझे हल्का सा डीप रखना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे 4.5 रखा है, 4.5 हल्का सा डीप। और ये मैंने उनकी कुर्ती का नाप लिया है जिसके लिए मैं बना रही हूँ। और ये देखिए, मैंने यहाँ पर भी 4.5 ही लिया है फ्रंट पे। बैक का अलग मार्जिन होगा, अलग कटिंग होगी, इसी में ही कट करके दिखा देते क्योंकि अस्तर मैंने दोनों के लिया है। पीछे का आप 1 और 2 जितने भी इंच का आप रख सकते हैं, जितना डीप रखना है आपको। इसके बाद ये दोनों नाप हो गए। अब यहाँ पर भी हम एक जो डीपनेस का होता है वो भी 4 इंच देंगे और ये जो ये मार्जिन होता है 7 इंच, वही 7 इंच यहाँ पर देते हैं चेस्ट पर इस तरीके से। यहाँ पे भी मार्जिन देंगे, क्योंकि मैं कैमरा मोबाइल एक हाथ में ली हूँ इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। और ये देखिए, यहाँ पर भी मैं 7.5 पर दे रही हूँ। मैंने 7.5 का ही ऑल साइड 4 स्क्वायर बना लिया और 2 इंच एक्स्ट्रा। अब हम इन सबको तो 32 नंबर के चेस्ट के हिसाब से 7.5 + 2 इंच। अब ये यहाँ पर मुझे 36 चाहिए स्टमक पर। तो देखिए, 9 मैंने मार्जिन लिया है, 9 × 4 = 36 होता है। तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे फिटिंग दे सकते हैं, लेकिन मैं फिटिंग बाद में फैब्रिक कट कर लूँगी और बाद में एक्स्ट्रा मार्जिन के हिसाब से छोड़ दूँगी। यहाँ तक मुझे रखना है, बाकी मुझे कटिंग कर देनी है। 16 इंच का ही मुझे रखना है फैब्रिक। अब ये मैं यहाँ पे मार्जिन दे देती हूँ, जो जो मैंने निशान लगा लेती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे 1.5 इंच के अंदर से गहराई देते हैं गले की,
और इसके हिसाब से भी आप इस तरीके से भी नाप सकते हैं। जैसे आपने जो भी मार्जिन दिया हो उसको इस तरीके से इंची टेप रखिएगा और राउंड राउंड सर्कल घुमा लीजिएगा इस तरीके से, तो आपका राउंड शेप अच्छी सी आ जाती है। तो देखिए मैंने मार्जिन दे दिया है, अब ये हाफ इंच अंदर से देते हैं फ्रंट पे, तो आप दे सकते हैं, और ये तीरा आधा इंच गहराई से, और ये जो मार्जिन मैंने दिया है राउंड राउंड 4 इंच का, तो वो इस तरीके से आप दे सकते हैं, तो मैंने वो भी दे दिया है। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ, तो जो फैब्रिक है उसको दोनों को मिला के मैं स्टिचिंग करूँगी, तो मैं कटिंग पहले कर लेती हूँ। तो मैंने कटिंग कर लिया है फ्रंट का और बैक का भी। एक अस्तर आप स्टिच करके पलट के फिनिशिंग के साथ रेडीमेड स्टाइल में स्टिच कर सकते हैं, एक आप सीधा सीधा स्टिच कर लीजिए, जैसे कि मैंने ये सीधे सीधे स्टिच किया है और कटिंग भी कर दिया है। तो देखिए अब इस पर पाइपिंग लगानी है और जॉइंट करना है, तो दोनों को अब हम कैसे स्टिच करेंगे ये देखिए, मैंने पलट के दिखा दिया आपको, स्टिच किया और फिर पलट दिया, तो फिनिशिंग बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल में आ जाती है और थ्रेड्स निकलते नहीं हैं। और चूँकि गले पे और नेक पे मैं स्लीव्स नेक पे फैब्रिक स्टिच करूँगी और ये वाला डिज़ाइन स्टिच करना है, इसलिए मैंने जो बचा हुआ फैब्रिक था उसमें से डिज़ाइन कट कर लिया है ये देखिए यहाँ पर। और स्लीव्स पे मैं स्लीव स्टिच करूँगी इसलिए मैंने स्टिच किया नहीं है। तो सबसे पहले ये डिज़ाइन मैं कैसे स्टिच करूँगी ये भी मैं आपको आगे दिखाऊँगी। जब तक मैं ये सेट कर रही हूँ तब तक आपसे कहना चाहूँगी कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये ड्रेस स्टिच करना कैसा लगा। मेरा आइडिया हमेशा डिफरेंट और परफेक्ट रहता है, मैं साड़ियों से बहुत सारी ब्यूटीफुल ड्रेसेस स्टिच कर रही हूँ, तो एक एक करके आपके साथ शेयर करूँगी, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। अब ये देखिए मैंने फ्रंट और बैक के दोनों के ऑल साइड स्टिच कर लिए हैं टॉप, और अब इन दोनों को मैं जॉइंट करूँगी, तो जॉइंट करने के लिए फ्रंट और बैक को एक साथ सेट करना होगा। उससे पहले जो मैंने डिज़ाइन सोचा है इस पर फ्रंट पे लगाने का नेट का, तो वो मैं एक बार आइडिया दे देती हूँ आपको। आपको कोई भी डिज़ाइन या एसेसरी स्टिच करनी है तो आप उसकी शेप ले लीजिए, और जब आप स्टिच कर रहे हैं तो टॉप को जॉइंट करने से पहले ही फ्रंट पे इस तरीके से सेट करके स्टिच कर लीजिएगा, चाहे वो डिज़ाइन हो या पाइपिंग हो उसको पहले ही से स्टिच कर लीजिएगा तभी जॉइंट कीजिएगा। ये भी एक मेरा आपके लिए सजेशन आइडिया है। ये देखिए मैंने पिंस ऐड कर लिए हैं, अब मैं इसको स्टिच करके पलट दूँगी, तो मुझे जो डिज़ाइन स्टिच करनी है वो मैं दोनों फ्रंट और बैक में स्टिच कर लेती हूँ। तो फ्रंट पे मैंने ये डिज़ाइन राउंड शेप में स्टिच किया है और बैक में मैं स्क्वायर शेप में कर रही हूँ, आप जैसा चाहें वैसा स्टिच कर सकते हैं। तो देखिए बैक का ये है और फ्रंट का वो था, अब ये दोनों को मैं स्टिच करूँगी, दोनों डिज़ाइन आगे और पीछे की सेट हो चुकी हैं, अब इन दोनों को जॉइंट करना है। तो जॉइंट कैसे करते हैं, राइट साइड रखते हैं, तो टॉप को सबसे पहले साइड में स्टिच करते हैं, इन दोनों को साइड में स्टिच करने के बाद हम इसमें नेक पे पाइपिंग स्टिच करेंगे। तो पाइपिंग स्टिच करने के लिए मुझे 2 इंच की इस तरीके से पाइपिंग कट करते हैं, करीब 2 इंच की आप पट्टी कट कर लीजिए और फिर दोनों को अपोजिट स्टाइल में स्टिच करेंगे, तो जिससे कि ये अच्छी सी पाइपिंग बन जाएगी आपकी। ये देखिए पाइपिंग स्टिच हो चुकी है, दोनों की सिलाई मैंने कर ली है, दोनों को दो पाइपिंग को जॉइंट कर लिया है। अब पाइपिंग इसी तरीके से बनाई जाती है, यही सबसे बेस्ट तरीका है। अब स्लीव्स जो है, स्लीव्स का अस्तर मैंने ले लिया, लेंथ ली है पूरी 16 इंच और उसकी चौड़ाई ली है पूरी 36 के हिसाब से। अब मैंने 4 फोल्ड कर लिया है, मार्जिन दे दिया है 9 7.5 आपने वो दिया था और 2 इंच एक्स्ट्रा, तो 9 इंच का मैंने मार्जिन दिया है, बाकी फैब्रिक एक्स्ट्रा है। ये 3 इंच की डीपनेस दी है, अब मैं इसकी नाप का इसको कट कर लेती हूँ, यहाँ फिटिंग दे देंगे, आप कट कर सकते हैं या फिर एक्स्ट्रा मार्जिन के हिसाब से छोड़ सकते हैं। ये कपड़ा है, कपड़े को मैं इसी के नाप से कट कर लेती हूँ, लेकिन ये कपड़ा छोटा है तो छोटे होने की वजह से मैं इसमें यहाँ पे जॉइंट करूँगी, तो मैं दोनों तरफ जॉइंट कर लेती हूँ। जॉइंट कैसे करते हैं वो भी मैं दिखा दूँगी। फैब्रिक को स्टिच करते हैं और स्टिच मैंने इस तरह किया है कि एक बार स्टिच करने के बाद उस पर दोबारा स्टिच कर दिए, जिससे कि थ्रेड ना निकले, या फोल्ड कर सकते हैं। देखिए मैंने कैसे फोल्ड किया है, इससे फिनिशिंग अच्छी आ जाती है और थ्रेड भी नहीं निकलेंगे और रेडीमेड जैसा लगेगा। ऊपर जब हम देखते हैं तो ये देखिए बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि जॉइंट है, और जॉइंट नीचे आ जाता है इसलिए कोई ख़ास प्रॉब्लम भी नहीं होगी,
और ये एक्स्ट्रा लेंथ भी हो जाती है। तो आप जॉइंट करके स्लीव्स की लेंथ बढ़ा सकते हैं, चौड़ाई भी। जैसे कि इसमें जो बॉर्डर नेट है, इसमें से ये वाला डिज़ाइन कट करके मैं स्लीव्स पे स्टिच कर दूंगी। इससे एक डिज़ाइनर स्लीव्स स्टिच हो जाएगी और ये फैब्रिक इससे मिलता जुलता है, इसलिए आप और भी डिज़ाइन कोई मैच करते हुए स्टिच कर सकते हैं। ये देखिए मेरे पास ढेर सारे आइडियाज़ हैं, इतना सुंदर फैब्रिक ये है, ये डिज़ाइन है, ये वेस्ट नहीं करेंगे। पूरी फैब्रिक में बस इतना ही फैब्रिक बचा है, तो मैं इसको भी यूज़ कर रही हूँ। जो मैंने टॉप है उसमें स्टिच कर दिया है, मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया है, तो ये वही पार्ट है। मैंने अभी वीडियो बाद में डाला है, लेकिन अब और मैं टॉप में स्टिच कर चुकी हूँ। तो ये देखिए स्लीव्स हैं, स्लीव्स में अब मैं स्टिच कर रही हूँ। तो स्लीव्स को इस तरीके से नीचे फोल्ड कर देंगे और फिर जो डिज़ाइन मैंने दिखाया आपको वो स्टिच करूँगी। तो स्लीव्स में अस्तर स्टिच कर चुकी हूँ, अब मैं इनको फिटिंग दूँगी। ये देखिए मैंने किस तरह स्टिच किया, स्टिच करने के बाद, पलटने के बाद, उसके बाद भी स्टिच करते हैं तो बिल्कुल कहीं से भी थ्रेड्स आउट नहीं होंगे। और ये जो डिज़ाइन मैंने अभी आपको दिखाया था वही ये डिज़ाइन मैंने उसमें से सेपरेट कर लिया है। और अब मैं यहाँ पर स्लीव्स पे स्टिच कर दूँगी, बिल्कुल बीच में ना आप देख लीजिए कभी आप स्टिच करते हैं, क्योंकि छोटा बड़ा ना होना चाहिए। तो जो बीच सेंटर है वहाँ पे आपको नाप लगा के स्टिच करना होगा। तो अब मैंने ये देखिए डिज़ाइन स्टिच भी कर लिया है। अब जो टॉप है, टॉप के शोल्डर्स पर आप पॉइंट लगा लीजिए और स्लीव्स के पॉइंट पर, स्लीव्स के जो शोल्डर्स हैं वहाँ पर। तो शोल्डर्स स्टिच करते हैं तो यहाँ पर मैं पॉइंट लगाऊंगी और ये वाला पॉइंट, इन दोनों को मिला के मैं स्टिच करूँगी। तो ध्यान रखिएगा स्टिच इस तरह कीजिएगा, राइट एंड राइट साइड होना चाहिए सामने। तो मैं इसको ओपन करके यहाँ पर इस तरीके से पकड़ूँगी और ऐसे स्टिच कर दूँगी। तो चलिए मैं ये स्लीव्स पूरी राउंड शेप में स्टिच कर लेती हूँ। और स्टिच करने के बाद जो देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, स्टिच हो चुका है ये, और ये इस तरफ यहाँ पर मुझे फ़िटिंग देनी है। जो भी आपकी स्लीव्स की फ़िटिंग हो वो दे दीजिएगा। तो मैं पूरी ऑल साइड, दोनों साइड स्टिच करके लेके आती हूँ। तो ऑलमोस्ट स्लीव्स स्टिच हो चुकी हैं। अब जो टॉप, आप ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन है वो आप कट कर लीजिएगा, इससे फिनिशिंग भी अच्छी आती है और बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं रहता जब हम पहनते हैं, तो अंदर की तरफ प्रॉब्लम नहीं करता। तो उतना ही रखिए जितना आपको एक्स्ट्रा चाहिए। यहाँ पर मुझे पाइपिंग स्टिच करनी थी, क्योंकि मैंने जो फैब्रिक है वो फ्रंट पे स्टिच किया था। तो पाइपिंग कैसे स्टिच करते हैं ये देख लीजिए। ये जो डिज़ाइन है उसको भी मुझे अच्छे से स्टिच करना है, क्योंकि फिनिशिंग उसकी अच्छी नहीं बैठ रही है, लेस या फिर झोल खा रही है। तो इसको मुझे सबसे पहले स्टिच करना है हैंड से। तो देखिए ये डिज़ाइन इस तरीके से स्टिच हो चुका है। अब इस पर मैं स्कर्ट को स्टिच करूँगी। तो स्कर्ट मैंने स्टिच कर ली है, इस देखिए मैंने अभी आलपिन लगाए हैं और फिर मैं इसको स्टिच करके आपको दिखाऊँगी। तो ये देखिए मैंने स्टिच कर, जब मैंने आलपिन लगा ली तो इस तरीके से फिनिशिंग आ जाएगी इसकी, और मैं इसको स्टिच कर लूँगी। तो स्टिच मेरा हो चुका है, ये देखिए मैंने कर लिया स्टिच। तो अब ऊपर का जो हम टॉप है उसमें पाइपिंग स्टिच करना है। तो 2 इंच की जो हमने पाइपिंग थी उसको फोल्ड करके स्टिच किया है। अब ऑल साइड यहाँ पे कट लगाएंगे जिससे कि फोल्ड करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। और फिर इस तरीके से पलट कर मैं इसको पूरा स्टिच कर लेती हूँ। तो ऑलमोस्ट मैंने स्टिच कर ली है पाइपिंग, और ये देखिए डिज़ाइन भी इस तरीके से आ गई है। जो हैंड से स्टिच करना था वो मैं स्टिच कर लूँगी, तो डिज़ाइन फिटिंग की हो जाएगी। आप इस डिज़ाइन को सिर्फ डिज़ाइन भी स्टिच कर सकते हो, नेट के साथ भी। तो मैंने नेट के साथ स्टिच किया है। और ये जो साइड्स होती हैं हमारी कुर्ती की साइड्स हैं, वो वहाँ पर हम इस तरीके से फोल्ड करके एक लाइन इस तरीके से कर देते हैं, जिससे कि उनमें ओपन नहीं होती हैं वो। और जैसे हमारी नॉर्मल कुर्तीज़ में साइड्स होती हैं उनको इसी तरीके से स्टिच करते हैं, एक बार लाइन इस तरीके से कर देते हैं और फिर दोनों साइड वह आधा आधा इंच फोल्ड कर देते हैं, जैसा आपने फैब्रिक एक्स्ट्रा कट किया होगा। तो मैं इन सबको स्टिच कर लेती हूँ। तो ये लास्ट में बस फाइनल स्टिच हो चुका है साइड्स में। और ये देखिए कुर्ती पूरी स्टिच हो चुकी है, फ्रंट और बैक पे मैंने एक डिज़ाइन स्टिच किया है। तो देखिए फाइनली ये इतना सा कपड़ा बचा है पूरी साड़ी में, और ये पल्लू मैंने सेपरेट कर दिया था, और ये मेरी ब्यूटीफुल कुर्ती स्टिच हो चुकी है। जिसकी स्टिच की है वो भी बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि मैंने उनकी पुरानी यानी कि 5-6 साल पुरानी साड़ी होगी उसको बिल्कुल नया कर दिया। प्रेस करते समय ध्यान रखिएगा, बिल्कुल हल्की प्रेस पे आप प्रेस कीजिएगा, नहीं तो जलने का डर रहेगा, अच्छी खासी साड़ी आपकी जल जाएगी। कुर्ती बना दिए वो और नुकसान हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।
यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए ये इसमें मैंने अस्तर लगाया है स्लीव्स में, ये देखिए साइड्स मैंने कितने अच्छे से स्टिच किए हैं, बिल्कुल भी कहीं भी थ्रेड नहीं निकलेगा। ये देखिए ये साइड्स ओपन नहीं होंगी, ये मैंने कैसे स्टिच किए हैं, ये देखिए यहाँ पे लाइन की है। और ये जो ओपन साइड से ओपन वाला बनता है फ्रॉक सूट होगा लेकिन ओपन वाला होगा, तो वो मैंने बनाया है। और ये देखिए ये स्टिचिंग करने के बाद भी कितना सुंदर है, ये डिज़ाइन भी मैंने की, यहाँ पे कहीं थ्रेड्स नहीं निकलेंगे। तो ऑल ओवर मैंने बहुत सुंदर सूट स्टिच कर दिया है साड़ी में। प्लीज़ मेरी सबसे एक रिक्वेस्ट है कि एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि मुझे आइडिया लगेगा कि मेरी कुर्ती कैसी बनी है, तो मैं ढेर सारे आइडियाज़ आपके साथ शेयर करूँगी।